क्योंकि आज हम जा रहे हैं इंडिया वापस। ये मैं 6 महीने बाद ही क्यों वापस जा रहा हूँ, सरप्राइज है सबके लिए भी। मेरे आपको मिलवाता हूँ आज की वीडियो में दिव्यांश। दोस्तों अभी बच गए हैं सिंगापुर में 8, हमें फ्लाई करना था यहाँ से 4:30 बजे के आसपास, बट फ्लाइट डिले हो गई किसी टेक्निकल इशू की वजह से। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, 1:30 बज चुका है यहाँ पे, फ्लाइट लेट की वजह से इतना टाइम लग गया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद सबसे ज़्यादा खास दिन है, क्यों? क्योंकि आज हम जा रहे हैं इंडिया वापस। ये देखो ये रहे पीछे बैग्स। 6 महीने हो गए अराउंड मुझे यहाँ आए हुए, देवयानी को 1 साल हो जाएगा मार्च में। हम इंडिया क्यों जा रहे हैं इतनी जल्दी, क्या रीज़न है हमारे, आपको मैं बताऊँगा आगे वीडियो में। क्योंकि यहाँ आने के बाद लोग कहते हैं 5 साल हो जाते हैं इंडिया जाए हुए, 6 साल हो जाते हैं, आपको बहुत वीडियोज़ मिल जाएगी कैनेडा टू इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया 5 साल बाद 6 साल बाद। हम 6 महीने में 6 महीने बाद ही क्यों वापस जा रहा हूँ, आपको इस वीडियो में आगे पता लगेगा। बाकी सरप्राइज़ है ये सबके लिए भी, मेरे भाई को पता है बस, और दिव्यानी की सिस्टर को पता है, बाकी हमारी फैमिली वालों के लिए सबके लिए ये एक सरप्राइज़ है। तो वीडियो में आप देखना ज़रूर आगे, और इस वीडियो में हमारे साथ करना ऑस्ट्रेलिया से इंडिया तक का सफ़र। आगे मिलते हैं आपसे वीडियो में। दोस्तों पहुँच गए एयरपोर्ट, मेरी दिव्यानी, और अब ये शायद दूसरी बार ही है जब हम एयरपोर्ट पे अपने घर के कपड़ों में आए हैं, वरना हमेशा जॉब की ड्रेस में आना पड़ता है। या तो मैं इंडिया से आया था तब आया था, या फिर अब इंडिया जा रहा हूँ तब आया हूँ। तो दोस्तों हम पहुँच गए एयरपोर्ट, चेक इन हमारा हो गया, चेक इन लगेज पहुँच चुका है, हमारा ये कैरी ऑन बचा है बस, ये रहा सामान। फ़्लाइट भी पीछे आ चुकी है, अब बस आधे घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट होगी, फिर अपना बोर्डिंग करके इंडिया की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। और ये बैठी दिव्यानी, लाओ आपको मिलवाता हूँ आज की वीडियो में दिव्यानी से। तो दिव्यानी कैसा लग रहा है, मतलब इंडिया जाने में? मेरे से इसको ज़्यादा टाइम हो गया, मेरे को तो अराउंड 6 महीने ही हुए थे, इसको 1 साल के अराउंड हो चुका है यहाँ पर रहते हुए। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बात की है कि सबके लिए सरप्राइज़ है, तो वो रिएक्शन कैसा होगा उनका इतने टाइम बाद हमसे मिलके, उस चीज़ की देखने की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये चीज़ भाई मेरे को तो देखो रिएक्शन तो मेरे को पता ही है, अच्छा आना है मेरे को, है वापस जाके अपना इंडियन खाना खाना है, इंडिया में घूमना है, वो इन्जॉयमेंट है अपनी, और कुछ नहीं। बाकी चलिए आपसे मिलेंगे आगे, फ्लाइट दिखाता हूँ आपको। ये रही सिंगापुर एयरलाइंस की है, चांगी एयरपोर्ट पे हमारा हॉल्ट होगा। और बहुत पिछली बार आते हुए जैसे इंडिया से आ रहा था मैं, तो मेलबर्न में हमारा हॉल्ट था, मज़ा भी नहीं आता उस एयरपोर्ट पे। चांगी का सुना मैंने, वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट माना जाता है वो, तो उस पे जाके आते हुए, तो अभी तो जाते हुए कितना 1 घंटे का ही हॉल्ट है, 1.5 घंटे का है बस, तो अभी तो नहीं देख पाएंगे इतना। वापस आते हुए 4:30 घंटे का, तब वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सिंगापुर, यहाँ से फ्लाइट चेंज करनी है। अराउंड 1 घंटा पहले पहुंच गए, टेल विंड काफ़ी अच्छी थी, तो थोड़ा बहुत एयरपोर्ट भी घूम ही रहे हैं। बाकी मेरी दिव्यानी बैग साथ में उठवाते हुए बस अपना पहुंच रहे हैं B5 पे, यहाँ पे फ्लाइट चेंज हो जाएगी। इंतज़ार नहीं हो रहा यार, अब बस फटाफट इंडिया जाना है दिव्यानी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि अभी बस बैठे प्लेन पर वहीं लैंड कर जाए। बाकी एयरपोर्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा है यार, ये मुझे दुख है कि हम अभी पूरा नहीं देख पाए, बट वापस आते हुए है 4-5 घंटे का लेओवर, तब पूरा का पूरा एयरपोर्ट अच्छे से देखेंगे। hey!
दोस्तों अभी बज गए हैं सिंगापुर में 8, हमें फ्लाई करना था यहाँ से 4-4:30 बजे के आसपास, बट फ्लाइट डिले हो गई किसी टेक्निकल इशू की वजह से। अभी हमें 8 बजे तक तो इंडिया होना था, बट अभी इंडिया में 5:30 बज चुके हैं, 4.5 घंटे डिले हो गए यहीं पे ही। बट स्टिल थैंकफुली अभी अनाउंसमेंट हुई है कि मेरे ख्याल से चल रही है फ़्लाइट, तो 8 की जगह 12-1 बजे के आसपास अब हम इंडिया पहुँचेंगे, बट थैंकफुली पहुँच रहे हैं। फाइनली दोस्तों इंडिया पहुंच गए हैं। सही बता रहा हूँ, यहाँ पे आते ही न्यू लग रहा था, इतने थके हुए हैं फ़्लाइट में, और यहाँ आते ही सारी की सारी थकान ऐसे उतर गई। वहाँ से तो बैठती ऐसा मन करता है कि बस अभी उतर जाएं, फटाफट इमिग्रेशन करके बैगेज लेके और फिर अपना निकलते हैं। थप्पा लग गया, पासपोर्ट पे लग चुका है स्टैम्प, अब बस अपना बैग लेंगे और अपना घर। अभी उतरे हम, मैंने सोचा कि भाई गाड़ी मैं चलाऊंगा, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, इंडिया में चलाने की फील ही अलग है। पर बैठते ही मैं ब्रेक दबा के, वहाँ पे ऑटोमेटिक चलाते हैं, ब्रेक दबा के स्टार्ट, मैंने कहा स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, फिर ध्यान आया अरे क्लच दबा के होगी, मैनुअल तो है ना, ध्यान तो खैर इसे नहीं आया, मैंने बोला कि भाई क्या ब्रेक क्या दबा रहा है तो मैनुअल गाड़ी है, क्लच दबा के स्टार्ट हुई। तो दोस्तों बस अब घर पहुंचने वाले हैं, मम्मी इंतज़ार कर रही है, हमारा नहीं कीशु का, मेरे भाई का, क्योंकि वो उसने बताया है कि हम यहाँ पे शादी में आए हुए थे तो घर पे आ रहे हैं। हमारा नहीं पता मम्मी को, अब भी रात को 1:30 बज चुका है यहाँ पे, फ्लाइट लेट की वजह से इतना टाइम लग गया, वरना 8 बजे लैंड करके 9 बजे तक तो घर पहुँच गए होते हम। पर चलो जो भी है, अब बस घर पहुँच रहे हैं, अब देते हैं मम्मी पापा को सरप्राइज़, फिर उसके बाद हमारे घर से जाएंगे दिव्यानी के घर, 5 मिनट ही दूर है, फिर उसके मम्मी पापा को सरप्राइज देंगे। नमस्ते मम्मी नमस्ते बाबा लग रहा था थोड़ा सा भी हम आएंगे लग रहा था थोड़ा सा भी आपको 0% कैसे हो तभी तो आए जब ही तो आए तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हम इंडिया आ चुके हैं वापस,
घर वालों को बहुत अच्छा सरप्राइज लगा, बहुत ही खुश है सारे के सारे। और रीजंस बताने थे आपको कि मैं हम क्यों आए हैं इंडिया, मेनली दो ही रीजंस थे। एक तो घर वालों की याद बहुत आ रही थी, घर वालों को हमारी याद बहुत आ रही थी, तो उनसे मिलने का बहुत बड़ा रीज़न था। उन्हें यूँ था मम्मी पापा को हमारे के भाई पता नहीं कितने सालों में आप आते हैं बच्चे, बहुत टाइम लग जाता है वापस आने में। तो मैं यूँ था कि नहीं यार हमें वो नहीं बनना जो अराउंड 5-6 साल लग जाते हैं जिन्हें वापस इंडिया आने में, वो हो जाता है बिल्कुल सिटीजनशिप नहीं हो जाएगी तब तक नहीं आएंगे वो सारी चीज़ें। हमारे यूँ था कि नहीं यार घर चलेंगे, तो इस वजह से आए। सेकेंड रीज़न था मेरे भाई की शादी, दिसंबर में एक भाई की शादी हुई थी मेरे चाचा के लड़के की, वो हमसे मिस हो गई थी तो हम दोबारा मिस नहीं करना चाह रहे थे। अभी मेरे चाचा के लड़के की शादी है दूसरे की, हम सारों में सबसे छोटा है, वो आर्मी में है, वो उसकी शादी है, तो उसके लिए भी हम वापस आए हैं। बाकी आप बने रहना चैनल पे, सब्सक्राइब करना क्योंकि आगे बहुत सी वीडियोज़ आएगी अब इंडिया से रिलेटेड। यहाँ पर आपको अपना गाँव दिखाऊँगा मैं, अपना घर दिखाऊँगा, जो हमारे खेत हैं वो मैं दिखाऊँगा, घूमने जाना है हमें हरिद्वार वो दिखाऊँगा, महाशिवरात्रि आएगी, हर हर महादेव, तो उसकी वीडियो बनेंगी। तो अब बने रहना, बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है इंडिया से रिलेटेड हमारा। और हाँ, जो खाने की जगह मुझे यहाँ पे बहुत पसंद है वहाँ पे, वो भी बहुत मिस कर रहा था मैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।